पीरियोडिक टेस्ट 2 में पेन पेपर में हमारे 2 चैप्टर्स थे. फर्स्ट चैप्टर इज फूड एंड सेकंड चैप्टर इज चैप्टर नंबर 17 आवर यूनिवर्स. अब बच्चों हमने इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है. उसके बाद बच्चों अब आते हैं सब्जेक्ट एनरिचमेंट में. क्लियर बच्चों? सब्जेक्ट एनरिचमेंट में भी हमारे 2 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट चैप्टर इज सेफ्टी एंड सेकंड चैप्टर इज चैप्टर नंबर 15 प्लांट्स. क्लियर? सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 सेफ्टी. ओके बच्चों, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. ये चैप्टर आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट में इंक्लूडेड है. क्लियर एवरीवन? सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. आवर न्यू चैप्टर इज चैप्टर नंबर 13. द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेफ्टी. क्लियर एवरीवन? बच्चों सेफ्टी का मीन्स होता है सुरक्षा. ओके तो बच्चों हमें अपने घरों में, बस में ट्रैवल करते समय, स्कूल में और रोड पर ट्रैवल करते समय बहुत सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना होता है. तो बच्चों हम इस चैप्टर में उन्हीं सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? कि हमें बस में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, अपने घर में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, रोड पर ट्रैवल करते समय कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए एटसेट्रा. क्लियर एवरीवन? ओके बच्चों, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सेफ्टी के बारे में जानेंगे कि सेफ्टी क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी? ओके, सेफ्टी इज स्टेट ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम डेंजर. बच्चों खतरे से सुरक्षित रहने की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? सेफ्टी कहते हैं. क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? दिस इज योर क्लास वर्क. बच्चों ये आपका क्लास वर्क है, इसे आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में राइट करना है. क्लियर? फर्स्ट यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट एनरिचमेंट बिकॉज़ दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन योर सब्जेक्ट एनरिचमेंट. क्लियर बच्चों? ये चैप्टर आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट का चैप्टर है, तो इसलिए आप सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे ऊपर क्या राइट करोगे? सब्जेक्ट एनरिचमेंट, देन चैप्टर नेम, देन चैप्टर नंबर. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आपको हेडिंग मेंशन करनी है, डिफाइन द टर्म. मैंने अभी आपको ओनली वन टर्म दिया है. योर टर्म इज सेफ्टी. क्लियर? और जब हम टर्म को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? दैट स्टेट ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम डेंजर. डेंजर का मीन्स होता है बच्चों खतरा. ठीक है, तो खतरे से सुरक्षित रहने की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? सेफ्टी कहते हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 87. सेफ्टी, टू स्टे अवे फ्रॉम डेंजर वी मस्ट फॉलो रूल्स व्हाइल ट्रैवलिंग एट होम एंड आउटसाइड. बच्चों टू स्टे अवे फ्रॉम डेंजर इट मीन्स बच्चों खतरों से बचे रहने के लिए हमें अपने घरों में, बस में ट्रैवल करते समय, कार में ट्रैवल करते समय, अपने होम में कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए. क्लियर? तो बच्चों हम इन्हीं सेफ्टी रूल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट वी विल रीड अबाउट सेफ्टी ऑन द रोड. सब हमें रोड पे चलते समय कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. क्लियर एवरीवन? तो बच्चों आइए देखते हैं कि हमें रोड पे ट्रैवल करते समय कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. क्लियर? फर्स्ट, ऑब्जर्व ऑल ट्रैफिक सिग्नल्स. बच्चों सभी ट्रैफिक सिग्नल्स को देखें. ठीक है बच्चों, जब भी हम रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो रोड पर जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए होते हैं तो हमें उन्हें देखना चाहिए. यहाँ पर बच्चों जस्ट सामने देखिए, यस और नो का बॉक्स बना हुआ है. अगर बच्चों ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपको यस पर टिक करना है, अगर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आपको नो पर टिक करना है. क्लियर? तो बच्चों रोड पर जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए होते हैं उन्हें हमें देखना चाहिए. सो यस, ठीक है, तो हम कौन से बॉक्स पर टिक करेंगे? यस वाले बॉक्स पर टिक करेंगे. क्लियर है? आवर नेक्स्ट सेफ्टी रूल इज वॉक ऑन द पेवमेंट. ठीक है, पेवमेंट का मीन्स होता है बच्चों फुटपाथ. ठीक है, तो हमेशा फुटपाथ पर ही चले. फुटपाथ का मीन्स होता है बच्चों वहां पर जहां पर पेडेस्ट्रियंस चलते हैं. पेडेस्ट्रियंस इट मीन्स बच्चों पैदल चलने वाले. क्लियर? तो बच्चों जो पैदल चलने वाले हैं वो हमेशा कहां पर चलेंगे? पेवमेंट पर, यानी कि फुटपाथ पर. क्लियर? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए बच्चों हम कहां पर टिक
राइट साइड देखना चाहिए, अगेन लेफ्ट साइड देखना चाहिए। जब हमें जब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे आसपास बहुत स्पीड में कोई भी व्हीकल नहीं चल के आ रही है, तब हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, है ना। और हमेशा हमें कहाँ से रोड क्रॉस करना चाहिए, हमेशा हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। क्लियर? तो हम इसमें बच्चों नो वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट, प्ले ऑन द रोड। बच्चों क्या हमें रोड पर खेलना चाहिए? नो बच्चों, खेलने के लिए हमारे लिए पार्क बने हुए हैं, है ना। हमारे घर के बाहर भी छोटा सा एक पार्क होता है ना, कॉलोनी होती है, तो बच्चे वहाँ पर खेल सकते हैं। लेकिन रोड एक खेलने की प्लेस नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल आल्सो टेक ऑन द नो बॉक्स। ठीक है, इसलिए बच्चों हम इसमें भी नो वाले बॉक्स में टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट, यूज द ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि रोड को क्रॉस करते समय हमेशा हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करना चाहिए। बच्चों आपने देखा होगा कि रोड पर व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स बनी हुई होती है रोड के बिल्कुल बीच में, ठीक है, तो उसे ही हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। क्लियर एवरीवन? तो बच्चों सारे पेडेस्ट्रियंस उसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करते हैं। पेडेस्ट्रियंस इट मीन्स पैदल चलने वाले। क्लियर है? आवर नेक्स्ट सेफ्टी रूल इज लुक लेफ्ट देन राइट एंड लेफ्ट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। रोड को क्रॉस करते समय पहले लेफ्ट देखिए, फिर राइट देखिए, अगेन लेफ्ट देखिए, ठीक है। तो बच्चों क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसलिए बच्चों हमें यहाँ पर यस वाले बॉक्स में टिक करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट, वियर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ बाइक। जब बच्चों आप बाइक राइड कर रहे हो, ठीक है, आप तो बाइक नहीं राइड कर रहे होगे, लेकिन बच्चों बाइक को राइड करते समय हमें हमेशा क्या पहनना चाहिए? हमें हमेशा हेलमेट वियर करना चाहिए। क्लियर? तो बच्चों क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, तो हम इसके जस्ट सामने कौन से बॉक्स पर टिक करेंगे? यस वाले बॉक्स पर। नेक्स्ट, वियर अ सीट बेल्ट व्हाइल ट्रैवलिंग बाय कार। जब भी हम कार के द्वारा ट्रैवल कर रहे हों तो हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए। इज इट करेक्ट? यस, इट इज आल्सो करेक्ट। तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट के जस्ट सामने वाले बॉक्स में यस वाले बॉक्स में टिक का मार्क करेंगे। क्लियर? फ्लैश ब्राइट लाइट्स एट ऑन कमिंग ट्रैफिक। बच्चों क्या सामने से आने वाले ट्रैफिक पर हमें ब्राइट लाइट यानी कि चमकदार रोशनी डालनी चाहिए? नो ऐसे बच्चों जो ड्राइवर होगा उसकी आंखों के सामने क्या हो जाएगा? ब्लर, बिल्कुल धुंधला हो जाएगा, और वो अपने कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, जिससे उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए बच्चों हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो बच्चों हमें इसके जस्ट सामने जो नो वाला बॉक्स है वहां पर टिक करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट, ओबे द ट्रैफिक पुलिस। हमेशा ट्रैफिक पुलिस की आज्ञा को माने, ठीक है। तो ओबे का मीन्स होता है बच्चों आज्ञा मानना। तो क्या बच्चों हमें ऐसा करना चाहिए? यस, तो इसके जस्ट सामने हमें यस वाले बॉक्स पर टिक करना है। नेक्स्ट, राइड अ बाइसाइकल ऑन बिजी रोड्स। बच्चों जो भी बिजी रोड्स है यानी कि हाईवे है, वहां पर क्या हमें बाइसाइकल राइड करना चाहिए? नहीं बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो इसके जस्ट सामने हमें कौन से बॉक्स पर टिक करना है? नो के बॉक्स पर टिक करना है। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द क्लास वर्क एंड होमवर्क। ओके बच्चों, आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, फर्स्ट की राइट कराया है आपको, डिफाइन द टर्म, एक की टर्म राइट कराया है, इसको आपको अपने क्लास वर्क कॉपी में राइट करना है। क्लियर? और बच्चों जो भी मैंने अभी आपको सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ाया है, दैट सेफ्टी ऑन रोड, ठीक है, तो ये भी आपका क्लास वर्क है। इसे भी आपको यस और नो वाले बॉक्स पर टिक करके अपने ग्रुप में क्लास वर्क के टाइम पर सेंड करना है। ओके, नाउ कम ऑन योर होमवर्क। सी पेज नंबर 86। द पिक्चर बिलो शोन सर्टेन एक्शंस दैट आर डेंजरस, सर्कल दीज एक्शन विथ अ रेड पेंसिल एंड डिस्कस।
बच्चों इस पिक्चर में जो भी एक्शंस आप देख रहे हो उनमें से कुछ एक्शन बहुत ही डेंजरस है, यानी कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। आपको उन्हें रिकॉग्नाइज करना है, उन्हें पहचानना है और उन्हें रेड पेंसिल से सर्कल करके मार्क करना है। क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है और ये आपको अपनी बुक में ही करना है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।